Assalamualaikum, I am Dr. Shaza. आज मैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बताऊंगी। फ्रोज़न शोल्डर बहुत ही आम कंडीशन है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पेशेंट को। कंधा जाम, इसको एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, डायरेक्ट कॉजेज़ हैं, इनडायरेक्ट कॉजेज़ हैं, मतलब इन वजूहात की वजह से क्या होता है कि लोग अपने शोल्डर की मूवमेंट को लिमिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैप्सुलर थिकनिंग आ जाती है, मतलब उनके कंधा जाम की कंडीशन उनके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कॉजेज़ की वजह से आ जाती है। और इस वजह से उनको पेन, स्टिफनेस, ये सब इनके सिम्टम्स आते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, ठीक है, और तीनों टाइप्स की अलग अलग कंडीशन होती हैं। हमारे क्लिनिक पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है मैनुअली, मैकेनिकली, जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम आता है, उनकी पेन सबसाइड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है कैप्सुलर थिकनेस जो कि उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि उनकी शोल्डर की आराम गेन कर सके। हमारे क्लिनिक पे इसका इलाज विदाउट मेडिसिन और सर्जरी करते हैं। अगर आप भी इससे रिलेटेड किसी कंडीशन को जानते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।